ये हो गया, स्टार्ट करिए आप लोग बनाना। सर थोड़ा जूम कर दीजिए। कर देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या ये इवन या ऑड फंक्शन है चेक करिए बताइए, क्योंकि लिमिट तो ये बता रहा है इसका कि इवन ऑड चेक करना चाहिए इस क्वेश्चन में। सो दिस इज इवन और ऑड फंक्शन बताओ। पता चला सर इवन ही ना होगा, मॉड्यूलस तो हमेशा इवन फंक्शन रहता है ना। नीचे वाले वो को देखो एक बार, नीचे में एक्स में मॉड नहीं लगा हुआ है। सिक्स है क्या आंसर? हाँ गुड, ये फंक्शन जो है दिस इज नाइदर इवन और नॉट ऑड का केस है, इसमें इवन ऑड कुछ भी नहीं है। अगर आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, एक सेकेंड, अब एक देखो सेकेंड एक्स की जगह पे माइनस एक्स अगर पुट करेंगे तो नीचे में एक माइनस एक्स रह जाएगा और आप माइनस कॉमन नहीं निकाल सकते वहां से, इसलिए ये इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। और जब भी ऐसा बात आ जाए फिर आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो आप इसको आई मान लेंगे और आई का जो वैल्यू है ये आपका -2 से लेके 2 तक दिया है, एंड दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स और यहाँ पे मॉडुलस, और नीचे आपका दिया है ई टू दी पावर एक्स मॉड एक्स और +1, ठीक है ये दिया हुआ है। अब देखो ये इवन ऑड नहीं है ना, तो अगला काम एक आपको और यहाँ पे चेक करना चाहिए वो ये है कि हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी लगा के देखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। मतलब ये आप लगाएंगे प्रॉपर्टी जो होता है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ पे पुट करो। तो जब ये करेंगे तो ये -2 से 2 तो ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, एक्स की जगह पे लिखेंगे 2 -2 हो जाएगा ये ऐड करने के बाद, और माइनस एक्स करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स का क्यूब बचेगा सिर्फ, और माइनस एक्स का क्यूब मतलब हो गया सीधा लिखो माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ भी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा देखो 2 -2 -x, यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा और यहाँ पे मॉड डला हुआ है। और नीचे जो देखेंगे आप तो यहाँ पे हो गया ई टू दी पावर एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, देखो जहां जहां एक्स है ना ये कट के माइनस एक्स आ जा रहा है, तो माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स का मॉड, यहाँ पे तो मॉड ही रह जाएगा और यहाँ पे आ गया +1। अब देखो यहाँ पे भी माइनस माइनस आ रहा है तो माइनस को कॉमन निकालेंगे, मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस बन जाएगा, तो यहीं पे हम ये स्टेप दिखाते रहे करके कि ये प्लस बनने वाला है, तो यहाँ से माइनस का साइन हटाओ यहाँ से भी हटाओ तो सिर्फ ये बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब इसको एक स्टेप और बढ़ाओ तो यहाँ से क्या मिलेगा, -2 से लेके 2 तक ऊपर एक्स क्यूब प्लस एक्स रह जाएगा, और नीचे जो है ये अगर हम लोग ई टू दी पावर माइनस में आ गया ना तो आप इसको क्या लिखेंगे 1 बाई लिखेंगे और एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स और यहाँ पे मॉड एक्स, और एक नीचे वाला टू टर्म है उठ करके ऊपर चला जाएगा ई टू दी पावर एक्स और यहाँ पे आ जाएगा मॉड एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स।
ये चेंज करने के बाद आप ये देखेंगे कि अगर मान लो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये अगर आपका सेकेंड इक्वेशन है, तो आप दोनों को ऐड करके चेक करो, 1 + 2। तो जब 1 + 2 करा जाएगा तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या आएगा, -2 से लेके 2 तक, और देखो ये नीचे वाला जो टर्म है ना, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कॉमन निकल जाएगा, तो और ऊपर का भी टर्म ये कॉमन निकल जाएगा, मतलब x³ + mod x को कॉमन निकाल लिए, अंदर बचेगा 1 + e^(x)mod x, है ना, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। और नीचे वैल्यू है e^(x)mod x, और +1 ये वैल्यू मिलेगा, यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो ये 2y = आ जाएगा, -2 से लेके 2 तक, और सिंपल बचा x³ + x, ये मिलेगा आपको फाइनली। अब आप चेक करो कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो आपको दिखेगा कि अब सिर्फ मॉडुलस बचा है, मतलब अब ये इवन फंक्शन हो गया। एंड सिंस दिस इज नॉट एन इवन फंक्शन, तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 2y = इवन, क्या बोलता है कि -2 से 2 है, तो यहाँ 2 लिख लो, और यहाँ 0 से लेके 2 तक चले जाओ, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ x³ + x, और यहाँ पे मॉड लिखा हुआ है, ठीक है, ये मिलेगा। अब 0 से लेके 2 तक में आप चेक करेंगे तो जो x³ + x का वैल्यू है, ये कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ से 2 अब हटा दो, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा कुछ ऐसा, i = 0 से लेके 2 तक, और सिर्फ बचेगा x³ + x, मॉड हट गया और dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना था, अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेके 2, ये x⁴/4, और प्लस यहाँ x²/2 आया, लिमिट, अब ये इंटीग्रेशन हट जाएगा और लिमिट आप लगा दो 0 से लेके 2 तक, तो ये आ गया 0 से लेके 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 2 2, 16/4 4, प्लस 2 रखेंगे तो 2 2, 4/2 मतलब 2, -0 मतलब आंसर हो गया 6। बोलो समझ में आया? यस प्रिंस, तुमको समझ में आया? सर, यस सर, यस सर, यस, चलो 6 पे मोहर लगा दो, आगे बढ़ो। लीजिए ये सवाल करिए, ये सवाल हमको थोड़ा ठीक लगा है ना, भारी भी नहीं बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये सवाल ठीक था यार। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करो ना, जब भी मैक्सिमा और मिनिमा का बात आ गया ना, तो एक बात आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि एक बार ग्राफ बना के सोच लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। तो अगर हम लोग ग्राफ बना के अगर देखते हैं, तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो x+1 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, -1 पे होगा, तो x+1 का ग्राफ बनाओ, मॉडुलस है ये, है ना, तो यहाँ पे कहीं पे -1 आएगा, यहाँ पे कहीं पे -2 मिलेगा, इधर कहीं पे -3 आएगा, इधर कहीं पे -4 आएगा, ठीक है भाई, थोड़ा और आगे बढ़ो। उसके बाद ये -5 आएगा,
ये माइनस सिक्स आएगा, माइनस सिक्स क्यों जाना है उधर, इतने ही तक रहना है ठीक है। 33 है क्या सर? कितना आ रहा है? 33 33 एक मिनट, नहीं 33 नहीं है, आंसर दिखा कितना है? ठीक है देखो, तो x प्लस वन है ना, अब इस x प्लस वन का मॉडुलस का ग्राफ बनाते हैं अगर, तो ये कुछ ऐसा जाता है, ये और फिर यहां से ये, ठीक है ये हो गया x प्लस वन का ग्राफ। उसके बाद अगला जो बनेगा ये बनेगा आपका x प्लस टू का, अगर x प्लस टू का मॉडुलस बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा है ना, माइनस टू पे आप इस तरीके का वी शेप का ग्राफ बना देते हैं ठीक। उसके बाद एक्स प्लस थ्री का बनेगा, तो एक्स प्लस थ्री पे अगर जाएंगे तो एक्स प्लस थ्री पे ग्राफ जो है इसका कुछ ऐसा दिखेगा, है ना समझना। क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब समझने लायक क्वेश्चन है ये, और ये हो गया आपका एक्स प्लस थ्री का मॉडुलस का ग्राफ। फिर ऐसे ही अगर आपको फोर भी मिलेगा यहाँ पे, तो फोर मिलेगा तो फोर पे भी बना लो, तो कुछ ऐसा दिखेगा फोर पे ठीक है, ये इसका ऐसे हो जाएगा। और लास्ट एक और मिलेगा आपको फाइव पे, है ना, और फाइव पे जब मिलेगा तो फाइव पे कुछ ऐसा बनाएंगे आप ग्राफ इसका ठीक है भाई, है ना इतना आ गया। अब देखो अब इसमें पूछा क्या है, सबसे पहले इसमें देखो बोला मैक्सिमम, है ना मैक्सिमम कहां से कहां तक, माइनस सिक्स से लेके जीरो तक। तो माइनस सिक्स से लेके जीरो तक में एक काम करो, यहां पे कहीं पे माइनस सिक्स आएगा ठीक है, तुम चेक करो माइनस सिक्स लेके जीरो यहाँ पे है ना, इस बीच में अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा रहा? देखो अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये मैक्सिमम है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये मैक्सिमम है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये मैक्सिमम आ रहा है, और अगर इन दोनों में इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो फिर ये मैक्सिमम आएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन हो जाएगा मैक्सिमम। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मतलब ये जो दिख रहा है ये वाला, इसमें एक दो तीन चार पांच, इन पांचों में सबसे टॉप पे अभी ये बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ के बाद कहानी थोड़ा पलट गया। यहाँ के बाद देखो ये तो ठीक है, इसके इधर साइड है ना, ये थ्री पे माइनस थ्री पे इधर साइड में ये मैक्सिमम दिख रहा है, लेकिन इसके आगे बढ़ेंगे ना तो देखो ये 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 इसमें सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ, ये बैठा हुआ ऊपर में, तो इधर साइड से आपका ये वाला हो जाएगा मैक्सिमम, और इधर साइड से ये वाला मैक्सिमम हो गया ठीक है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आपका ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको जिस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में डिसाइड करना है, तो ये बात तो अब समझ में आ गया कि ये वाला वैल्यू होगा इधर से, ये वाला वैल्यू होगा, ये इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ, इसका बताओ तो इक्वेशन जरा सा, स्मृति बताओ तो स्मृति बताएगी, बताओ जरा स्मृति क्या होगा इसका इक्वेशन ये वाले लाइन का। देखो माइनस वन से अगर आगे बढ़ेंगे तो इसका ये तुम्हारा ग्राफ था x प्लस वन का, तो इधर साइड में होता है x प्लस वन, और अगर आप माइनस वन से पीछे जाएंगे तो इसका इक्वेशन होता है माइनस बाहर लग जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वन, और इसी तरीके से अब यहाँ आ जाओ ये रेड वाला माइनस फाइव वाला पे, तो फाइव में देखो इधर जो रहता है माइनस फाइव से जो आगे रहेगा इसमें एक्स प्लस फाइव बनेगा, और माइनस फाइव से जो पीछे होगा इसमें बनेगा आपका एक्स प्लस फाइव का लाइन, ये हो गया। हमको इसी से काम है, हमको चाहिए मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम दिख रहा है कि ये वाला लाइन जो है ये आपका मैक्सिमम हो गया इधर साइड से, और इधर साइड से ये वाला मैक्सिमम हो गया ये वाला पोर्शन ठीक है। तो माइनस थ्री हमारा यहां से ब्रेक होगा, माइनस सिक्स से लेके माइनस थ्री के बीच में ये सबसे ऊपर बैठा हुआ है, और माइनस थ्री से जीरो के बीच में ये सबसे ऊपर बैठा हुआ है। तो अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लो, अब है ना क्वेश्चन जो है बदल जाएगा, यहां से क्वेश्चन अब ये हो गया कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन माइनस सिक्स से लेके माइनस थ्री तक में मैक्सिमम किसको लेंगे, इसको लेंगे मतलब माइनस एक्स माइनस वन को लेंगे ये डीएक्स, और प्लस माइनस थ्री से लेके जीरो के बीच में, माइनस थ्री से लेके जीरो के बीच में ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा एक्स प्लस फाइव डीएक्स, बस इसको सॉल्व करो आंसर। तो नाइन है क्या? 21 आ रहा है, 21 आ रहा है, ओ सर ठीक है, 21 आ रहा है, हां सर आ रहा 21। माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, ये हो गया माइनस सिक्स से लेके माइनस थ्री तक, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फाइव एक्स, और ये हो जाएगा माइनस थ्री से लेके जीरो तक। ये पुट करने से आ रहा है माइनस नाइन बाई टू और प्लस थ्री,
और इधर से पुट करेंगे माइनस सिक्स, तो माइनस 36 बाई 2 और प्लस 6 बन जाएगा ये। ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट का। सेकेंड पार्ट में जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो रह जाएगा, माइनस अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 और माइनस 15। अब इसको सॉल्व करो यार आप लोग, है ना, ये आपको 21 देगा आंसर। ये आपका काम रहेगा सॉल्व करना, ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन बढ़िया था ना, ये क्वेश्चन में कुछ सीखने लायक था, मजाक नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बनाओ, ये क्वेश्चन तो स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा आपको आगे एक स्टेप में फंसाएगा, अदरवाइज नॉर्मली आप देखेंगे तो बनाएंगे तो बन जाएगा ये क्वेश्चन प्रोसेस वाइज में। देखो करते हैं, समझिए, है ना। पहले तो ये 1/x² -1 और x² -4 लिखा हुआ है ना, अगर ऊपर में ना 2x अगर होता तो मानो कि हम इसको डायरेक्टली t पुट करके और फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते, ऊपर में dt बन जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ना इसको आप एक काम करो, पहले 1/x² -1 और ये x² -4 जो लिखा है ना, इसके रिस्पेक्ट में आप पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कोशिश करिए। लेकिन लगा तो देंगे पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें एक दिक्कत ये है कि ये कुछ अजीब टाइप का दिख रहा है, मतलब अजीब। ऊपर मतलब वैसे लिख लेंगे ना x² -1 - x² -4, तो थोड़ा इजी हो, उसका काम नहीं पड़ेगा। ऐसे लिख लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर को कुछ देर के लिए टी मान लेते हैं डायरेक्ट, है ना, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको लिख रहे हैं 1/t - 1 और यहाँ हो जाएगा t - 4। पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, ए बाई ये हो गया t - 1 और प्लस यहाँ से b/t - 4 बन जाएगा ये। अब यहाँ से a और b का वैल्यू बताओ हमको, तो एक डायरेक्ट तरीका होता है a और b निकालने का, पता होगा आप लोगों को, पता है कि नहीं, या फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा t1 रखेंगे t4 रखेंगे, बस वही। yes. तो यहाँ पे अगर t का वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ से, तो ये आएगा तुम्हारा 1 - 3, मतलब -1/3, तो a का वैल्यू आ जाएगा -1/3। ऐसे ही b निकालो, 4 पुट करो यहाँ लाकर, तो ये खत्म हो गया, मतलब यहाँ 4 - 1 ये 3 आ जाएगा, मतलब 1/3 हो गया, है ना। एक तो सिक्स कितना आ रहा है, हाँ 6 सही है। a -1/3 हो गया और b 1/3 हो गया, इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि ये लिखा है 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी एक्स है ना इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है ए का वैल्यू आप माइनस वन बाई थ्री पुट कर लो और यहाँ पे बचेगा आपके पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन और फिर यहाँ पे बीच में प्लस और ये हो जाएगा वन बाई थ्री और ये बन जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये आ जाएगा एक काम और कर मेथड ऑफ डिफरेंस जैसा करके भी तो कर सकते हैं हाँ लगा सकते हैं यहाँ से आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर अब आप इसको इंटीग्रेट करो है ना इंटीग्रेट करने जब चले तो ये भी आसान तरीका है कोई दिक्कत नहीं है माइनस वन बाई थ्री इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिखा हुआ है और ये टू का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है वन बाई एक्स माइनस वन और बाई एक्स प्लस वन और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एल एन एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस टू ठीक है ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस वन बाई थ्री बाहर लिखा हुआ है इसको माइनस वन बाई थ्री को बाहर में रखो लिमिट लगा हुआ है थ्री से लेके बी तक अब यहाँ पे थ्री से भी यहाँ भी चलेगा थ्री से भी यहाँ भी चलेगा तो माइनस वन बाई थ्री अगर आप लिमिट रखते हैं तो ये आएगा एल एन अगर आप बी पुट करेंगे तो ये आएगा बी माइनस वन बाई बी प्लस वन उसके बाद बीच में माइनस का साइन और फिर यहाँ पे एल एन और अगर यहाँ पे थ्री पुट करेंगे तो थ्री माइनस वन हो जाएगा टू टू बाई फोर मतलब वन बाई टू एल एन वन बाई टू आ गया ये ठीक है अभी हम लोग सिर्फ पहला वाला को सॉल्व किया है फिर यहाँ पे बीच में माइनस है फिर एक ब्रैकेट डालते हैं और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे एल एन और फिर बी पुट करेंगे तो आएगा बी माइनस टू बाई बी प्लस टू और माइनस यहाँ पे हो जाएगा एल एन और यहाँ पे लोअर लिमिट थ्री है तो हो जाएगा वन थ्री माइनस टू वन और यहाँ हो जाएगा फाइव मतलब एल एन वन अपॉन फाइव मिला लेना एक बार है ना गलत ना हो तो माइनस वन बाई थ्री अब यहाँ पे क्या करो यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट खोल दो यहाँ से है ना ये फिर बाद में नहीं तो गलत कर देगा और यहाँ माइनस को प्लस बना दो ठीक है अब ये देखो ये वाला टर्म और ये वाला चीज एल एन बी माइनस वन बाई बी प्लस वन लिखा है एल एन बी माइनस टू बाई बी प्लस टू लिखा हुआ है एल एन ए माइनस एल एन बी लिखा हुआ है तो आप इसको लगाओ ए बाई बी मतलब बी माइनस वन बाई बी प्लस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर आके ये बी प्लस टू बाई बी माइनस टू और माइनस यहाँ पे एल एन वन बाई फाइव लिखा है माइनस एल एन वन बाई टू लिखा है तो प्लस एल एन यहाँ पे भी आप एक काम कर लो वन बाई फाइव और इसको नीचे लेके आएंगे तो ऊपर टू चला जाएगा ये तो ये टू बाई फाइव बन जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हाँ बोलो लास्ट का सेकंड ये वाला स्टेप देखो इसमें थ्री से फाइव थ्री से बी बोला था ना तो अभी हम लोग लिमिट यहाँ रखेंगे ना थ्री से लेके बी तक तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अगर ये वाला b पुट करते हैं तो b माइनस वन बाई बी प्लस वन आएगा और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो थ्री माइनस वन टू और बाई थ्री प्लस वन फोर मतलब वन बाई टू आएगा तो ये आया पहले अपर लिमिट पुट करने के बाद ये वैल्यू मिलेगा फिर बीच में माइनस का साइन फिर अब इसमें पुट करो तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा b माइनस टू बाई बी प्लस टू और फिर यहाँ पे माइनस का साइन आएगा फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एल एन और देखो थ्री पुट करेंगे तो थ्री माइनस टू वन और थ्री प्लस टू फाइव वन बाई फाइव आया लेकिन यहाँ पे माइनस होता बट ये ब्रैकेट में था पूरा तो माइनस अंदर चला गया तो ये प्लस बन गया अब ये और ये वैल्यू देखो एल एन ये पूरा लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए बाई बी तो ये हो गया b माइनस वन बाई बी प्लस वन इसके नीचे आता ये वाला टर्म b माइनस टू बाई बी प्लस टू इसको हम रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख चुके हैं b प्लस टू बाई बी माइनस टू फिर बीच में प्लस अब ये ln a माइनस log b log a माइनस log b तो फॉर्मूला क्या होता है log a बाई बी तो a बाई बी मतलब ये वन बाई फाइव रहेगा और नीचे वन बाई टू आएगा टू ऊपर चल जाएगा तो टू बाई फाइव आ गया ये बोलो समझ में आया हाँ अब यहाँ पे देखो आंसर में क्या लिखा है एल एन ई 49 बाई 40 और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है तो अब एक काम करो है ना ये तो तुम्हारा जो निकला है ये अभी निकल के आ रहा है आई का वैल्यू है ना सॉल्व करने के बाद ये आई निकल के आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में तो 12 भी मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 12 मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आई का जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस 4 एल एन और यहाँ हो गया बी माइनस 1 इंटू बी प्लस 2 और नीचे आ जाएगा आपका बी प्लस 1 इंटू बी माइनस 2 ठीक है और यहाँ पे प्लस ये हो गया एल एन टू बाई फाइव अब एक काम कर लेते हैं जो माइनस फोर है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर एक और काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे एल एन इज इक्वल टू कितना दिया है एल एन 49 बाई 40 दिया है ना इसको इक्वल करो इसके साथ है ना दिस इज इक्वल टू एल एन 49 बाई 40 दिया है क्वेश्चन में ठीक है
ये माइनस फोर छोड़ दो, ln छोड़ दो अभी बाद में इसको, या फिर एक काम कर ले क्या, रुको देखो जो माइनस फोर माइनस दिख रहा है ना, इसको इसमें लेके चल लो, तो ln ये उल्टा हो जाएगा अगर माइनस जाएगा, तो b प्लस वन बन जाएगा और यहाँ पे b माइनस टू बन जाएगा और नीचे यहाँ पे b माइनस वन हो जाएगा और ये b प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर ये माइनस अगर यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा, फोर को बाहर रखें अभी, है ना, ये माइनस फोर ln और ये हो गया 2/5 और ये फोर ऊपर चल जाएगा, तो फोर जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये, सॉरी फोर नहीं ले गया है ना, ये माइनस हो गया सॉरी, इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे ln 49/40 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये जो ln 2/5 लिखा है इसको RHS में भेजो, ठीक है, लेकिन फोर के साथ जाएगा ये, देखो ये फोर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो ln ये हो गया b प्लस वन और ये b माइनस टू है ना, बाई बी माइनस वन और यहाँ से आ गया बी प्लस टू। एक काम करो, ये जो फोर पावर बैठा हुआ है ना, इस फोर को यहाँ बैठा दो ऊपर में ले आ करके, और माइनस ln और ये फोर जब यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16, 5 5 ये हो गया 625, है ना, इज इक्वल टू ln 49/40। एक बार चेक करना तो, है ना, ये हमको लग रहा है कि शायद ये नहीं आना चाहिए था, गड़बड़ हो रहा है क्या, बताना कोई जरूर। ये हो गया ln b प्लस वन वन, बाय एक्स है स्क्वायर ना, माइनस फोर का इंटीग्रेशन थोड़ा गलत है हमको लग रहा किसका गलत लग रहा है? है 1/x² - 4 का। अच्छा सर बाहर में 1/ वो था ना a² वो भी छूट रहा। हाँ, यहाँ पे x² - 1, तो ln x - 1/x + 1 तो सही है ना, ये यही गलत लग रहा है, एक सेकेंड। नहीं सही है, इंटीग्रेशन तो सही है, बी माइनस टू। हाँ फिर 1/2 ए होता है ना शायद। वो छूट गया है इसलिए गलत हो गया है, 1/2 ए होता है ना यहाँ पे। अच्छा 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 यहाँ पे आ जाएगा ना, ये तुम्हारा 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/4, 2a मतलब हो गया 4। अब इसका सॉल्यूशन फिर और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब एक काम करना आप लोग, है ना, इसको सॉल्व करना, तो हम यहाँ पे बता देते हैं क्या क्या करना है। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से कर ये सकते हैं कि ये जो 1/2 है, इस 1/2 को लेके चलो साथ में, ये 1/4 लेके चलो यहाँ पे साथ में, ठीक है। उसके बाद 1/4 यहाँ भी आ जाएगा, फिर 1/4 यहाँ भी आ जाएगा, है ना, ये भी यहाँ भी आएगा और ये 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1/2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा इसको फ्रेश सॉल्व करना, सब लोग सॉल्व हो जाएगा और आपको बताते हैं कि आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर आपको आंसर आएगा। आपको करना यहाँ पे ये यह है कि ये लॉग के टर्म में ये टर्म मिलेगा और यहाँ पे लॉग जो है ना कॉन्स्टेंट में आएगा, इसको ना इधर साइड भेज देना RHS में। RHS में भेजने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आएगा तो लॉग ए माइनस लॉग भी लगाना, तो लॉग ए बाई बी आ जाएगा। और जब ऐसा आएगा ना, तो ऐसा करना कि बाहर में कोई भी पावर ये ना बैठा रहा है, जब सब कुछ यहाँ पे चला जाएगा तो फिर लॉग लॉग दोनों तरफ से हटा देंगे, एंटी लॉग लेकर के, फिर जो भी इक्वेशन आएगा उसमें ना चार ऑप्शन दिया, ऑप्शन ऑप्शन ही दिया गया इसमें, अगर ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन नहीं है तब तो फिर आप सॉल्व करेंगे इसमें, है ना, एक ही वेरिएबल है बी तो निकल जाएगा सॉल्व करने के बाद, और अगर ऑप्शन रहता तो फिर डायरेक्ट पुट करके हम लोग वेरीफाई कर लेते, ऑप्शन रहता तो आसान पड़ता सॉल्व करना, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा वैसे केस में, ठीक है। तो एक आइडिया लग गया ना कि कैसे करना है, तो एक बार जरूर ट्राई करना है इसको, और आंसर बता देते हैं इसका, आंसर 6 आएगा, ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में उलझ जाएंगे हम लोग, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया एक जगह, सो आंसर इज 6। चलो हो जाएगा ना, कि ऐसे ही सब बोल रहा है कि नहीं होगा, बताओ स्मृति हो जाएगा, करके देखना यार, हाँ सर हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, करके देखना, अगर नहीं होगा ना तो फिर मेरे को भेजना व्हाट्सएप पे, जहाँ पे एरर होगा हम समझा देंगे कहाँ पे गलती हो रहा है, एक बार हम भी देख लेंगे कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो फिर इसको बनाइए।
स्क्रीन चल गया सर। अच्छा आगे आगे तो स्क्रीन जाता है तो क्या दिखता है उस पे? ब्लैक स्क्रीन रहता है क्या? आपका नाम और लोगो वही। अच्छा वही देखता है सर। स्क्रीन तो लेकिन कभी गया ही नहीं था, क्वेश्चन ही दिख रहा है मतलब। बीच में गया था ये लोग बोल रहा है जैसे कि। पता नहीं। क्वेश्चन लिख लिया ना सब लोग? सी है क्या सर? सी 5/4। हाँ सही है। देखो इस क्वेश्चन में ही हिंट मिल रहा है कि अगर कॉस को हम लोग थीटा कुछ टी मान लेते हैं ना, तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो इसमें ना आप ये वैल्यू पुट कर लीजिए है ना, थोड़ा सा सिंपल दिखने लगेगा ये है ना। सॉल्व होना ना होना अलग बात है, एटलीस्ट इतना तो साफ साफ दिख रहा है कि कॉस एक्स को अगर अपन टी मान लें तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज करेंगे, ई टू दी पावर कॉस एक्स को हम लोग टी लिखेंगे और साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू जो है वो माइनस डी टी हो जाएगा, तो माइनस यहाँ चिपका दो और ये हो गया डी टी। उसके बाद नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू बनेगा ये बनेगा 1 + t का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर टी प्लस ई टू दी पावर माइनस टी बन जाएगा ये इंटीग्रेशन। लिमिट देखो, अगर कॉस यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, और अगर पाई पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि लिमिट जो है वो उल्टा दिख रहा है, लोअर लिमिट ज़्यादा दिख रहा है, अपर लिमिट कम दिख रहा है, तो उस केस में आप क्या करो, ये लिमिट को एक्सचेंज करो, प्रॉपर्टी लगाओ, माइनस यहाँ से हटा दो है ना, तो ये बन जाएगा आपका -1 से लेके +1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करो, -1 से लेके 1 तक तो है, और ये जैसे ही दिखता है तो एक बार मन में आपका क्लिक करना चाहिए कि भाई ऑड इवन चेक कर ले, कहीं अगर ऑड हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। तो आप अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये फंक्शन जो है नाइदर इवन नॉर ऑड बन रहा है, कि यहाँ पे ई टू दी पावर टी बना हुआ, ई टू दी पावर टी बना हुआ, यहाँ पे माइनस टी पुट करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं यहाँ से, आपको आप चेक करके देखना। और जब नहीं मिलेगा तो आपको बताया थे कि आप जब भी ऐसा हो जाए तो आप एक काम कर लो, फिर वो वाला प्रॉपर्टी को याद करो, मतलब वो a + b - x वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करो इसमें। तो जब ये अप्लाई करेंगे तो सब जगह देखो यहाँ पे 1 में से 1, यहाँ 1 कट रहा है, और यहाँ पे जहां जहां टी मिलेगा वहां वहां माइनस टी बन जाएगा ये। सो दिस इज ई टू दी पावर माइनस टी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा 1 + यहाँ भी माइनस टी होगा तो ये टी स्क्वायर ही रह जाएगा ये, और यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस टी और ये ई टू दी पावर टी बन जाएगा, जहां माइनस टी है वहां प्लस टी आ जाएगा, बात जो है ये है। सो आई इज इक्वल टू ये बन गया। अब एक काम कर लो, दो इक्वेशन मिला और दोनों एक जैसा मिल गया है, तो आप इसको इक्वेशन 1 रख लो और इसको इक्वेशन 2 रख लो और दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 करेंगे आप, तो i + i जो है वो 2i बन जाएगा, लिमिट -1 से 1 रहेगा, और आप जब ऐड करेंगे तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है दोनों में, 1 + t² यहाँ पर भी है और यहाँ पे ई टू दी पावर टी और प्लस ई टू दी पावर माइनस टी यहाँ पर भी है, इसके हिसाब से देखें तो दोनों सेम ही है, तो ऊपर में डायरेक्टली ई टू दी पावर प्लस ई टू दी पावर माइनस टी बन जाएगा, और ये कट रहा है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखने लगा, -1 से 1 और यहाँ बचेगा 1 + t². अब ये जो आप देख रहे हैं ये अब फंक्शन को आप
चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं कि नाउ दिस इज एन इवन फंक्शन, और अगर इवन फंक्शन है तो यहाँ टू लिखो और यहाँ पे जीरो से वन लिखो और यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, है ना, ये इवन फंक्शन है क्योंकि आप पुट करेंगे माइनस टी तो प्लस सेम ही मिलेगा। यहाँ से टू कैंसिल हो गया तो आई का वैल्यू हो जाएगा वन बाई वन प्लस, ये वन प्लस टेन इनवर्स होता है, ये टेन इनवर्स टी बन जाएगा और लिमिट हो गया आपका जीरो से लेके वन तक। सो आई इज इक्वल टू बन जाएगा ये टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो विच इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस जीरो, मतलब आंसर हो गया पाई बाई फोर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ठीक रहता है, मतलब थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है एक ही पेज में। ये तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है कि यार एक पेज में कभी कंप्लीट ना हो और हो तो फिर कहीं ना कहीं एरर ही हो जाए। चलो इसको बनाओ ना, उसी टाइप का सवाल है थोड़ा सा आपको ये, चलो एक बार चेक करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी वही चीज है, आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू और ये सब चीज लिखा है, तो आपको एक बार ऑड इवन चेक करना पड़ेगा। और अगर आप ऑड इवन चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे तो आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक्स पुट करेंगे और इवन पावर है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस एक्स बन जाएगा, उस केस में एफ ऑफ माइनस एक्स के वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आ पाएगा, है ना, ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है हमको, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। ये इवन फंक्शन नहीं है, सिंपल बात है, और ऑड भी नहीं है, और जब नहीं होगा तो आपको अभी बताएं हम कि जब भी ऐसा कहानी हो कि इवन और ऑड नहीं मिले तो फिर आपको करना ये रहेगा कि ये तो पहला इक्वेशन हो गया चलो आपका, है ना, इसी को आई बना लेते हैं अपन। अब ये दूसरा आई इज इक्वल टू आप फिर से लिखेंगे माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक, और आप फिर से याद करेंगे इसी प्रॉपर्टी को ए प्लस बी माइनस एक्स वाला। और जब ऐसा करा जाएगा तो ऊपर तो चलो डी एक्स है ना, नीचे का जो वैल्यू दिख रहा है इसमें आप देखो जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स बैठ जाएगा, क्योंकि अगर ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो कुछ वैसा ही दिखेगा, वन प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो गया, और ये हो जाएगा आपका जैसा है वैसा ही साइन टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू दी पावर एक्स। आ गया, हाँ सर, सी आर। अच्छा चलो सही है, फिर ये हो गया आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ से लिखा ये माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू डी एक्स, और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा, इसको अगर हम लिखेंगे वन बाई ई टू दी पावर एक्स तो फिर वही बात बन जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस वन, और ये ई टू दी पावर एक्स नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और बाकी ये साइन टू दी पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस टू दी पावर सिक्स एक्स बन गया। अब ये आपका फर्स्ट था, इस इक्वेशन को आप सेकेंड मान लो और आप वन प्लस टू कर दो, जब वन प्लस टू करेंगे तो आई प्लस आई टू आई बन जाएगा, और यहाँ माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक बनेगा, और जब आप देखेंगे कि ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का ही सेम ही है, तो सेम है तो वन प्लस ई टू दी पावर एक्स लिखो और यहाँ पे लिखो साइन टू दी पावर सिक्स एक्स, और प्लस ये बन जाएगा कॉस की पावर सिक्स एक्स। ठीक है, और ऊपर में क्या बनेगा, वन प्लस ई टू दी पावर एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स, है ना, ऐड करने के बाद यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब जो है ना क्वेश्चन यहाँ से अब नया रूप ले चुका है,
टू आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये हो गया आपका डी एक्स बाई, ये बन गया साइन टू दी पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस टू दी पावर सिक्स एक्स, है ना। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो फंक्शन है ये इवन है, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस एक्स पुट करेंगे तो सेम ही चीज मिलेगा, और इवन है तो फिर आप क्या करो, यहाँ जीरो लिखो और यहाँ टू लिखो और यहाँ पे काट दो इसको, तो आई इज इक्वल टू वो मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, आई, और आई का जो वैल्यू आ रहा है जीरो से लेके पाई बाई टू डी एक्स। अब एक बात बताओ यार, ये साइन टू द पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस टू द पावर सिक्स एक्स का क्या डायरेक्ट वैल्यू आपको याद है क्या होता है इसका आंसर? 1 - 3 sin² cos² गुड, है ना। देखो ये दो वैल्यू याद रखना, साइन की पावर 4x और cos की पावर 4x का वैल्यू होता है 1 - 2 sin² x * cos² x, और साइन की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x का जो वैल्यू होता है ये होता है 1 - 3 sin² x * cos² x। इसका डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग 1 - 3, और यहाँ लिखेंगे आप sin² x * cos² x, यहां तक ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है ना, देखो साइन एक्स कॉस एक्स तक तो ठीक है, अगर सोचो इसको अगर 4 मिल जाता ना तो हम इसमें क्या करते हैं कि साइन 2x का होल स्क्वायर बना देते हैं इसको। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड कर लो इसमें। तो अगर हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये नीचे 4 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 था ना, हाँ 3 था, और 4 जब जाएगा ना तो ये पूरा एक यहाँ पे इसको आप समेट लो और सीधा लिखो इसको sin² 2x, है ना, और ये आपका हो गया -3/4। ये अगर किसी के दिमाग में क्लिक नहीं किया है, मतलब नहीं समझ में आया अगर, तो बताना, अदरवाइज फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 - 3/4 sin² 2x बन जाएगा ये सीधा। और जब इतना बन ही गया है तो फिर अब एक काम कर लो, और यहाँ से ये 0 से लेके पाई बाई टू और dx, और ये 4 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4 - 3, और ये हो गया sin² 2x, और ये 4 चला गया ऊपर, और इस 4 को आप इंटीग्रेशन के बाहर कर दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा तो ज़्यादा सही लगेगा। ये आ गया 1/ ये। इतना करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं सोचिए, दो तरीका है आपको इसके बाद, नहीं दो तरीका नहीं, एक ही तरीका हम तो कहेंगे यार, एक ही तरीका है यहाँ पे लगाओ, क्योंकि साइन एक्स नहीं है ना, साइन स्क्वायर एक्स है। तो फिर ना ऐसे क्वेश्चंस को फिर आगे प्रोसीड करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको टेन स्क्वायर एक्स बनाने का कोशिश करो। अगर ये टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ना तो फिर ऊपर में आपको फ्री फोकट का सेक स्क्वायर एक्स भी मिल जाएगा। और कैसे मिल जाएगा, आप क्या करो इस पूरे को ऊपर और नीचे से कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ऊपर हो गया आपका ये सेक स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा आपका 4, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -3, और यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर 2x, है ना, ये गलती हो गया, 2x होगा यहाँ पे, 2x से डिवाइड करेंगे, 2x से करेंगे, यहाँ भी 2x से करेंगे, तो यहाँ भी 2x आ जाएगा, यहाँ भी 2x हो जाएगा, ठीक है। और sec स्क्वायर ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग tan में चेंज कर सकते हैं, तो 0 से लेके पाई बाई 2, ऊपर तो चलो sec स्क्वायर 2x ठीक लगता है देखने में क्योंकि वो आपको मदद करेगा dt बैठाने में। ये 4 हो गया, ये 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर 2x -3, एंड दिस इज योर tan स्क्वायर 2x, ठीक है। तो फाइनली अब ऐसा दिखने लगेगा, ये 0 से लेके पाई बाई 2 तक, ऊपर sec स्क्वायर 2x और ये dx, और नीचे का वैल्यू हो गया 4 + 4 tan² x, मतलब सीधा लिखो 4 tan² x -3 tan² 2x, तो बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ tan² 2x, और 4, बस सिर्फ 4 बचा है ना, ये बच गया सिर्फ 4 को भी। अच्छा ठीक है, अब एक काम कर लो यहाँ पे ना, थोड़ा सा अब ये अटपटा दिख रहा है ना, टेन एक्स को t मान लो, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ के बाद चाहते तो, टेन एक्स को नहीं, या टेन टू एक्स को टी मान लीजिए आप, है ना, ये हो गया टेन टू एक्स बराबर टी, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और यहाँ टू भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर के डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो एक काम कर लो, ये वाला 2 एक रख लो अपने पास और एक 2 इसको दे दो, ताकि ऊपर हम आराम से डी टी लिख पाए, और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर, और प्लस ये 4 को 2 स्क्वायर लिख लो, और इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज कर लो। अगर आप 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई मिल गया, मतलब ये आ गया -1,
ना, और अब फिर से लिमिट में थोड़ा झोल हो गया, नीचे का लिमिट और ऊपर का लिमिट उल्टा दिख रहा है, तो आप चेंज कर लीजिए, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ dt, और ये t² + 2², एक माइनस का साइन लगा दो, और अब आप इसको इंटीग्रेट करो। और प्रियांश इतना आया था क्या वैल्यू तुम्हारा फाइनली करने के बाद, चेक कर लेना कहीं पे, अगर एरर हो तो बताना एक बार। से नहीं गए थे सर, मतलब वहीं पर sin 6 + cos 6 था, उसी में cos का पावर अच्छा, 6 से डिवाइड कर दिया था। कॉस की पावर 6 से डिवाइड करके किया था, चलो ठीक है वो भी सही है। तो देखो फिर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, है ना। बाकी कोई किया है क्या इस तरीके से, मतलब यहाँ तक आपका आ रहा है क्या किसी का, मतलब बस क्रॉस चेक कर रहे हैं एक बार ताकि अपना कहीं एरर ना हो। चलो यहाँ सर यही आ रहा है ना, यही आ रहा ठीक है है सर, मुझे आंसर। लिमिट का नहीं पता लेकिन बाकी सब यही अच्छा है। देख लेते हैं, -2 हो गया और लिमिट इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा ये tan इनवर्स और t/2, है ना। अच्छा इसमें 1/a भी होता है क्या, जरा बताना फॉर्मूला में बाहर। हाँ सर, तो फिर हाँ ये सर, 1/2 रह जाएगा, यहाँ पे आ गया और लिमिट हो गया आपका -1 से 0, ये कट रहा है -1। अगर 0 पुट करेंगे तो ये आ गया tan इनवर्स 0, माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो tan इनवर्स -1/2, -1 ये हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा प्लस, और tan इनवर्स 1/2, 1/2 ये तो आता ही नहीं है, फिर तो हो गया गड़बड़ कहीं पे। हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, तुम टेन लोग भी टू एस को देखो। टी नहीं मान पाएंगे सर, क्योंकि मतलब टेन पाई आ जाएगा, टेन पाई भी 0 और टेन 0 भी 0, तो वैसे नहीं होगा सर। एक सेकेंड कहाँ पे, एक सेकेंड एक सेकेंड, 0 से π/2 किसको, इसको तुम tan 2x को बोल रहा है हाँ सर, मतलब पाई अगर। बाई टू पर या अच्छा अच्छा तो जीरो पहले आ जा रहा है गलती ना, है अपर बाद में लिमिट भी गलती, 0 आ जा रहा है सर, tan पाई का वैल्यू 0 होता है। कहीं पहले भी गलती होगा लिमिट रखने में। हाँ, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे एक अपना उपाय लगा लेते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे ना, एक काम कर लो, जब ऐसा हो जाए तो कोई तो टाइम की जगह कॉर्ड बना लेंगे तो ज्यादा सही है। हाँ वो तो सही है। नहीं एक काम, अपने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग, अगर मान लो यहाँ पे अगर π/2 - x पुट करते हैं ना, एक बार चेक करो थोड़ा ये प्रॉपर्टी लगा करके, sec² 2x लिखा है ना, यहाँ पे π/2 - x करेंगे तो ये π - 2x बनेगा और ये सेम वैल्यू आ जाएगा sec² 2x, और नीचे भी अगर वही काम करेंगे तो ये तुम्हारा आएगा tan² और ये 2 रह जाएगा, मतलब π - 2x, और इसका भी वैल्यू सेम ही आएगा। मतलब हम लोग ये काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 1 बाहर कर लो और इसको π/4 बना दो। कुछ समझ आया क्या बोले। हाँ सर, हाँ ये लगा सकते हैं ना, फिर हम लोग यहाँ पे मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है, और ये करने से ना अब लिमिट आप चेंज कर सकते हैं, तो 1 2 आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर एक और आ गया, और यहाँ पे लिमिट अब क्या बन जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और π/4 पुट करते हैं तो tan π/2, और tan π/2 का वैल्यू, अच्छा ये तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ ठीक है चलेगा, फिर भी इन्फिनिटी भी चलेगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, है ना सही ना, लिमिट सही है ना, चेक करते चलना क्योंकि सब लोग यहाँ तक किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 आ गया, 0 से इनफाइनाइट हो गया अब लिमिट, बाकी बाकी आप सब कुछ सही है। यहाँ से ये वाला वैल्यू को चेंज कर लो, यहाँ पे बच जाएगा -4 रह जाएगा, 1 2 एक्स्ट्रा में आ गया तो, और ये लिमिट आपका हो गया 0 से इन्फिनिटी तक, तो 0 से इन्फिनिटी तो सही है, ये चेंज नहीं करेंगे आप, ऊपर नीचे नहीं करने की जरूरत पड़ेगा इसमें। तो फिर यहाँ पे आ जाओ, इसमें 0 से इन्फिनिटी यहाँ के बाद यहाँ है ना, हाँ ठीक है इसको चेंज कर लो, ये हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी हो गया, 1 2 इसमें आके मल्टीप्लाई हुआ है, और शायद माइनस हटेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो ये आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, मतलब हो गया तुम्हारा ये π/2 - tan इनवर्स 0 पुट करेंगे तो 0, और बाहर में एक वैल्यू 1 2 एक्स्ट्रा में आ गया, तो यहाँ से पाई बचेगा और माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि लिमिट चेंज होगा नहीं, तो पाई आ रहा है, कितना आंसर आ रहा था। यही आ रहा था। और देखो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं क्या क्या हुआ लास्ट में, थोड़ा सा ध्यान देना, लिमिट में यहाँ पे चेंज किए, ये क्या हो रहा था ना कि हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, अगर कोई भी फंक्शन में अगर ऐसा रहता है fx दिया है और 0 से लेके अगर 2a लिखा होता है ना,
जीरो से लेके अगर टू ए लिखा होता है और तो हम लोग इसको जीरो से लेके ए तक लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं और यहाँ टू बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन ये तब करते हैं जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है। और वही चीज हम यहाँ पे किए थे, पाई बाई टू जब हम इस फंक्शन में पुट किए यहाँ पे, तो मेरा ये सेम चीज आ रहा था। तो सेम चीज आने के कारण क्या किया कि टू बाहर निकाली और यहाँ पे पाई बाई फोर बना दिए। उसके बाद लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज करने के बाद आप देखेंगे कि लोअर लिमिट जीरो आएगा, अपर लिमिट इन्फिनिटी आएगा। मतलब यहाँ पे आपको उल्टा करने का जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ पे नहीं आएगा एक्स्ट्रा में, जो यहाँ पे माइनस हम लोग लेकर के आए थे ये माइनस हट जाएगा। बाकी आप सॉल्व करेंगे तो जीरो से इन्फिनिटी पुट करेंगे तो टेन इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो, मतलब पाई बाई टू इंटू टू मल्टीप्लाई करो, क्योंकि टू एक्स्ट्रा में आया है हम लोग के पास दोबारा, तो यहाँ से टू आ जाएगा। ठीक है, बाकी बताओ ये प्रियांश क्या किया, साइन की पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स एक्स जब आया था तो किससे डिवाइड किया था? कॉस का पावर सिक्स एक्स, फिर सिक्स का, तो ये हो गया टेन की पावर सिक्स एक्स प्लस वन और ऊपर आ जाएगा तुम्हारा, ऊपर में आ जाएगा सेक की पावर सिक्स एक्स ना। किससे डिवाइड किया था, कॉस की पावर सिक्स है ना कि साइन से? नहीं कॉस से किया था। हाँ ठीक है, जा सकते थे वैसे भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया, एक और क्वेश्चन करो नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन भी आसान है, नॉट सो डिफिकल्ट। डी है क्या सर? डी सर। डी सही आंसर, 20 टाइम्स पाई प्लस टू, करेक्ट। देखो इसमें क्या करना था, ये आई इज इक्वल टू लिखा है जीरो से लेके 20 पाई तक, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे पहले ब्रेक करेंगे अगर, तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, है ना, मॉडुलस हट गया क्योंकि स्क्वायर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पे टू और ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, मॉड है तो मॉड लगा लो कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से, और ये हो गया डी एक्स, दोनों पे अलग अलग मॉड आएगा, फिर एक साथ कर दिए दोनों को। तो इस हिसाब से ये हो गया जीरो से लेके 20 पाई तक और ये वन बन गया और यहाँ पे आ गया आपका साइन 2x और ये बन गया मॉडुलस। ठीक है, ये हो गया साइन 2x और ये हो गया आपका मॉडुलस के अंदर, बाकी ये है और ये आपका dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जीरो से लेके 20 पाई तक बोला है, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम एक काम करते हैं ना, 20 को बाहर करते हैं और जीरो से लेके पाई तक चलते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस साइन 2x और ये मॉडुलस और यहाँ पे हो गया ये dx। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज है, अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी जो बताए थे कि क्या हम ये पाई नीचे उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते हैं, ये चेक करना चाहिए आपको। मतलब यहाँ पे पाई है ना, आप देखो यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स, है ना, वही प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है तो हम लोग जो है यहाँ से 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो आप रखेंगे तो ये 20 हो गया, अब यहाँ देखो पाई रखो तो 2 पाई माइनस एक्स, मतलब साइन 2 पाई माइनस एक्स का वैल्यू साइन एक्स ही आ जाएगा, तो 2 बाहर कर लो और ये आ गया 0 से लेके पाई बाई 2 तक और ये बन जाएगा 1 प्लस और ये हो गया साइन 2x का मॉडुलस और dx, है ना। अब यहाँ पे देखो लिमिट क्या है, जीरो से लेके पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू के बीच में जो ये साइन x दिख रहा है मॉडुलस के अंदर, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, जीरो से पाई बाई टू का मतलब हो गया जीरो से लेके यहाँ पे अगर पाई बाई टू पुट कर देंगे तो पाई बन गया, मतलब फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, और यहाँ के हिसाब से देखा जाए सेकंड क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये 40 हो गया और जीरो से पाई बाई टू और यहाँ पे आप मॉड आराम से हटा दो और सिर्फ साइन 2x बचेगा और ये हो गया dx।
अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, है ना। तो आई इज इक्वल टू हो गया 40, जीरो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और साइन 2x का हो जाएगा कॉस 2x बाई 2, और यहाँ पे माइनस, ठीक है, और यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 2। आंसर बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, पाई बाई 2 और 20 टाइम्स पाई प्लस 2 आएगा सॉल्व करने के बाद, है ना। ये सॉल्व करेंगे आप लोग तो यू विल गेट द आंसर, ये आ जाएगा। ऐसे ही बनाया ना सब लोग, जो भी बनाए हैं लोग, क्या किया आपकी आंसर बताओ। हाँ शुरुआत तो ऐसे ही किए थे, मतलब वहां पे देख लिए 20 पाई 1 वाला अलग से कर लिए, अच्छा। और साइन 2x मॉड का पाई बाय 2 पीरियड है तो उसमें अलग। अच्छा ठीक है, चलो वो भी सही है। लो ये एक और क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। देखो यहाँ पे मॉडुलस लिखा हुआ है ना, तो 2x² - 3x का वैल्यू अगर आप जीरो करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, x कॉमन निकलेगा, 2x - 3 बचेगा इज इक्वल टू जीरो, मतलब x का वैल्यू यहाँ से 3/2 आएगा और एक जीरो आएगा, जीरो नहीं लेंगे क्योंकि जीरो से 2 तक ही बात किया है यहाँ पे। तो मतलब ये कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि अगर मान लो ना, अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पे आपसे तो बात किया है जीरो से लेके कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम 2 तक जाना है, इसके बीच में एक 3/2 आ रहा है, 0 से 3/2 के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव देगा, और 3/2 से 2 के बीच में जो वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू रख के चेक करेंगे तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव देगा, रख के चेक कर लो। 3/2 का मतलब होता है 1.5, है ना, 1.5 मत रखो, अगर आप 3/2 से बाहर कोई भी वैल्यू रखेंगे ना, देखो डेसिमल में आएगा, चेक करने में टाइम लग जाएगा, आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना तो आएगा ही आएगा, इधर साइड से पॉजिटिव मिलेगा, इधर साइड से निगेटिव मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है ना, तो आपको क्या पता है, देखो यहाँ से क्या करो आप, इसको मॉडुलस को ओपन करो, तो पहले जाएंगे आप 0 से लेकर 3/2 तक, ये हो गया 0 से लेकर 3/2 तक, और 0 से 3/2 में ये निगेटिव देगा, तो अगर निगेटिव आएगा मॉड्स के बाहर तो ये पहले 3x लिख लो और -2x² लिख दो, ठीक है ना, फिर बीच में प्लस, और फिर 3/2 से लेके 2 तक जाओ, तो 3/2 से लेके 2 तक जाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगा आपको 2x² - 3x, है ना। ये इंटीग्रेशन यहाँ इसका काम हो गया, अब आप इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ भी तो आएगा। अब इसका क्या है भाई जुगाड़, देखो इसका ये है, लिमिट तो 0 से लेके 2 तक बोला है, लेकिन एक बात समझो, 0 से लेके 2 तक लिमिट बोला है, लेकिन यहाँ पे बात ऐसा है कि ये 0 हो गया, ठीक है, 0 से लेके 1/2 तक, है ना। आप इसमें देखो ये वैल्यू आपको अगर 1/2 जैसे ही पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको 0 दे देगा, तो 0 से लेके 1/2 के बीच में इस जीआईएफ का वैल्यू कितना आना चाहिए बताओ,
अगर आप 0 से 1/2 के बीच में रखेंगे तो वैल्यू कितना देगा ये जीआईएफ का? -1 -2 देगा ये, तो ये हो गया -1 dx, लिखो यहाँ पे सिंपल। और फिर एक पार्ट ब्रेक करो 1/2 से लेके अगर आप इसको देखो 3/2 तक जाएंगे, 3 -1 2/2 1 जहाँ पे आता है, तो 1/2 से लेके अगर आप 3/2 तक जाएंगे इस वैल्यू पे, तो ये वैल्यू आपको देगा 1/2 मतलब हो गया 0 point something, मतलब ये 0 देगा सिंपल। और फिर यहाँ पे बीच में प्लस, और फिर 3/2 से लेके लास्ट कहाँ तक बोला आपको 2 तक, तो आप 2 पे चेक कर लो एक बार। 3/2 मतलब क्या होता है, 1.5 से 2 तक जाना है, और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये वैल्यू आपको देगा 1 dx। ठीक है, यही आ रहा ना, 1 ही आएगा ना लास्ट वाले में। हाँ, अब इसको अब आप अलग अलग से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो। तो देखो ये हो जाएगा 3x² / 2 -2x³/3। ये हो गया 0 से लेके 3/2 तक। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x³/3 -3x²/2। यहाँ हो जाएगा 3/2 से लेके 2 तक, प्लस ये हो जाएगा -x 0 से लेके ½। और ये तो खत्म ही हो गया, ये x हो जाएगा और यहाँ आ गया 3/2 से लेके 2 तक। अब आप इसका लिमिट रख के सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ रहा है, कोई बनाया? देखो कितना आ रहा आंसर सॉल्व करके, 19/12 बी आर 19/12। एक बार मिला लेते हैं आंसर, रुक जाओ। हाँ सही है, ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया ना, ऐसे ही बनाना था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक क्वेश्चन बच गया, एक बचा, दो बचा, तीन बच गया, चार बच गया। अरे चलो तुम लोग एक काम कर लेना, और एक क्वेश्चन आपको दे दे क्या, ये बनाइएगा क्वेश्चन आप लोग। अच्छा, हम पीडीएफ सेंड कर देते हैं ग्रुप में, ठीक है, बनाना उसको। कल का बताओ जरा सा, कल संडे है, कल मेरा मन छुट्टी लेने का है, आप लोगों का क्या विचार है, कल छुट्टी करते हैं? नहीं, ये बोलो, मैं गलती नहीं हुआ था, बहुत फ्री टाइम में कभी क्लास ले लीजिएगा ना। मेरा क्लास पता है, और क्लास लग जा रहा है बहुत ज्यादा, कल संडे है ना। अच्छा रुको, देखते हैं, अगर सुबह हो पाएगा तो सुबह क्लास ले लेंगे, ठीक है। सुबह में क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों? नहीं सर, 12 बजे के बाद, लेकिन 12 के बाद 2 से 3 के टाइम में देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम मैसेज करेंगे, एक बार देख लेना, अपडेट कर देंगे। कल कल संडे है, ठीक है, तो अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम कल क्लास रख देंगे, और नहीं तो छुट्टी कर देंगे, तो बुरा मत मानना, ठीक है, कल थोड़ा आराम करने, तो बहुत काम किए। ओके सर, ठीक। डेफिनेट, पता है डेफिनेट बहुत बड़ा चैप्टर है, हम अगले क्लास में सोच रहे हैं ना कि डेफिनेट से रिलेटेड जो न्यूटन्स लिबनीज वाला क्वेश्चन आता है ना, वो करवाएं, कुछ क्वेश्चंस वहां से उठाते हैं, क्योंकि वो भी पूछता है। यस सर, ठीक, वो उठाएंगे, वहां से कुछ ले लेंगे और कुछ इधर से ले लेंगे, 10-12 क्वेश्चन वहां से दोनों मिक्स करके ले आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर कल छुट्टी करेंगे तो तुम लोग थोड़ा कोऑपरेट करना, बाकी फिर मंडे से फिर क्लास अपना कर लिया जाएगा। और टाइमिंग हम सोच रहे हैं अब चेंज करने का, मॉर्निंग में क्लास रखेंगे, वही जो आप लोग 12 से 2 वाला गैप बता रहे हो, उसी बीच में ले लिया करेंगे क्लास अब, ठीक है। चलो फिर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर, गुड नाइट, गुड नाइट।